हाय गाइस, गुड इवनिंग। अपना ब्लॉग यहाँ बाहर से शुरू कर रही हूँ क्योंकि हम लोग एक जगह पे जा रहे हैं, उसका विजिट आपको भी करा दूंगी, तो बने रहिए। मेरे हस्बैंड हम लोग अभी निकल रहे हैं, तो हाय बोलो मेरे यूट्यूब फैमिली को। हाय गाइस, मैं सीट बेल्ट बांधना भूल गई थी, यहाँ पर बिल्कुल अलो नहीं है तो बांधना पड़ा। गाइस ये रहा हमारा डेस्टिनी, हम लोग पहुँच गए हैं फलश डारिस और ये कैफे है यहाँ पर। सो गाइस ये रहा कुछ इधर का इस तरह की नज़ारा, यहाँ पर सारे आपको फूल 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 ही दिखाई देंगे। ये देखिए तो मेरी हस्बैंड को यहाँ पर पार्किंग नहीं मिली है, तो वो पार्क उस साइड में रोड की उस साइड कोई शॉप के सामने खड़ा करके आएंगे। तो गाइस ये रहा कुछ इस तरह का नज़ारा, हम लोग अभी जा रहे हैं तो यहाँ पर है, आपको मैं दिखाती जाऊँगी। ये देखिए इसका पूरा व्यू चेक करें आप, ये कुछ हट की तरह बनाया है। तो गाइस कुछ इस तरह से ये फलज शुरू हो जाता है वहाँ से, ये देखिए यहाँ से ना ये फलज ऐसे ही, इसी को फलज बोलते हैं। फलज यानी कि मेरे ख्याल से कुछ ये यहाँ का ये पानी है ना, कुछ पहाड़ से आता है कहीं से, तो ये पहाड़ से पानी आते हैं, उस पानी को ना ये लोग एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ करते हैं और शायद पीने के लिए भी यूज़ करते हैं। फलज ये वाला, ये कितना साफ़ पानी है, ये देखिए पूरा साफ साफ वाला पानी मिलेगा आपको यहाँ पर। ये कहीं से पहाड़ से ही आते हैं ये पानी, इधर पूरा ओमान में पहाड़ के पानी आते हैं। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, ये देखिए हमारा जो है ना नेचुरल फिश पेडिक्योर जो करते हैं ना वहाँ पर है, तो अभी हम वहीं पर ही जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से चलते हैं। आई होप वहाँ पर कोई नहा नहीं रहा होगा, क्योंकि ये लोग ना दोस्तों यहाँ पर आके नहाते रहते हैं, तो यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और वीडियो शूट करने के लिए भी तो कोई लेडीज़ बैठेंगे तो भी प्रॉब्लम है, शूट करना नहीं हो पाएगा। ये देखिए दोस्तों ये है फलस दरिस, रजिस्टर्ड एज वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अस्सलाम वालेकुम। ये रहा फलश टेरेस, यहाँ पर हम लोग ना बैठ के फिश पेडिक्योर करते हैं। ये देखिए ये रहा, ये बहुत सारे फिश आएंगे अभी। फिश आ गए आकर आकर। ये देखिए गाइस आके कर रहे हैं पैर को। साइलेंट रहना चाहिए, पानी नहीं हिलेगा ना तो ये आके अपने आप। ये देखिए कितने सारे आ गए। ये देखिए आके ऐसे गुदगुदी गुदगुदी कर रहे और कुछ कुछ काट के, ये देखिए कितना अच्छे से काट रहा है। ये देखिए ओए देखो देखो कितने सारे हो गए पूरे पैर में, कुछ नहीं फीलिंग हो रहा है, गुदगुदी होता है। अभी तो बहुत सारे आएंगे क्योंकि यहाँ पर अभी शोर कम हो गया ना। ये देखो
आके अपने आप काटने लगे, उस पैर को भी लगे पड़े हैं। ये देखिए कैसे, भगवान बड़ा हाल आ गया, बड़ा वाला गुदगुदी कर रहा है। ये देखो आप पकड़ो, पकड़ो बिल्कुल क्लियरली आएगा। ये देखो अभी अच्छे से काट रहा है, काट रहा है। हाँ बिल्कुल साफ कर रहा है वो आके। वो देखो उसका नेल्स, नेल्स साफ कर रहा है इस पैर वाले। वाह वो बड़ा वाला फिश आ गया अपने पास ही है, क्यों हिल रहे हो? ये देखो कितना मस्त लगता है ना, सुकून सा है। गाइस इसका ना देखने में ही बहुत मजा है। ये देखिए, ये देखिए अभी बिल्कुल साइलेंट हो गया, ऊपर भी आ रहा है पैर के और ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना। ये कैसे बैठे हैं पता नहीं, मुझे तो डर लगता है। गाइस जो निजवा में रहते हैं, किसी को भी ये नेचुरल फिश पेडिक्योर चाहिए तो आप लोग यहाँ पर आके, इसका नाम है फलज दरिस, और यहाँ पर आके आप लोग अपना ये कर सकते हैं, करवा सकते हैं नेचुरली और एकदम फ्री वाला फिश पेडिक्योर। इतने सारे हैं आपको बता नहीं सकते, ऐसे ये देखिए, ये देखिए कैसे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। और मैं पूरा हिला दूंगी, और मेरे पास एक भी फिश नहीं आएगा। सुन बेटो काले, नहीं 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 मोड़ लेने तो। गाइस अभी हमारा हो गया और मैंने अपना फिश पेडिक्योर किया, और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगा और मैं जल्दी से भाग कर आ गई। और ये दोनों अभी एंजॉय कर रहे हैं, विनय और मेरी हस्बैंड, ये दोनों यहाँ पर अभी पेडिक्योर का, नेचुरल पेडिक्योर, फिश पेडिक्योर का एंजॉय कर रहे हैं। और एज यूजल मेरे कैमरामैन ज्योति है, ध्यान रखिए यार, रीज़न वॉलियर मिजुआ है और इज मेजेस्टी सुल्तान काबूस ने इसको बनाया है। और यहाँ पर जो है ना, इसका लेंथ जो है 7,990 मीटर है, और इरिगेशन एरिया है 17,15,502 मीटर स्क्वायर है, और डेप्थ ऑफ द मदर वेल इसका 17.5 मीटर है, और रिचार्ज ब्रांचेस इसके दो है। गाइस हम लोग अभी यहाँ पर रिलैक्स कर रहे हैं, ये रहे, ये इसका कुछ इस तरह से नज़ारा है रात की टाइम का। अभी मैं थोड़ा सा दिन में आई थी, उस टाइम पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए हम दोनों बैठे हुए हैं, रिलैक्स। गाइस ये देखिए कितना बढ़िया, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना पूरा ये एक ग्रॉस में बनाया है, ऊपर इसमें एक ग्रॉस डाला हुआ है, ये देखिए। और इतना सुंदर दो ये यहाँ पर खजूर के पेड़ लगे हुए हैं इसके आसपास, और इतना मोटा वाला एकदम परफेक्ट इसको काटा गया है कि ताकि ऐसे अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए ये, और ये दोनों बहुत ही बढ़िया, और यहाँ पर ये पेड़ बनाए हैं लोगों ने। और यहाँ पर जो है जब गर्मी में आते हैं लोग तो यहाँ पर छांव में बैठने के लिए एक, ये देखिए ऊपर देखिए इसका छत, ये बिल्कुल एक खजूर की जो है ना पत्तों से ये बनाया है, क्योंकि अगर सीमेंट से बनाते
ये देखिए यहाँ पर ऐसे आराम से आप लोग यहाँ पर ऐसे बैठ के रिलैक्स कर सकते हो, और ये इसके ऊपर से और ये गर्मी भी नहीं लगेगा। ऐसे यहाँ पर चारों तरफ से गेट के पास ना, वन वो देखिए वहाँ पर, एक दो दो, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है जिसमें मैं बैठी हूँ, और वो रहा चौथा वाला। ये ऐसे चार बनाए हैं, ये देखिए ये देखिए ये चार बनाए हैं दोस्तों यहाँ पर चारों। गाइस ये देखिए ये कुछ इस तरह से यहाँ पर भी स्विमिंग पूल जैसा, एक छोटा सा स्विमिंग पूल जैसा बनाया है। ये देखिए यहाँ पर पानी रोकने के लिए, और ये पूरा पत्थर से बना हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे जो पानी है ना, ये बह के ऐसे पूरा लंबा सा ये कैनाल जैसा बनाया है, एक इसको पानी बहने के लिए रास्ता। और अभी ये बंद है, कभी कभी बहता है जब फोर्स ज़्यादा रहेगा तो। ये देखिए यहाँ पर पानी था तो यहाँ पर। गाइस ये देखिए अभी हम लोग यहाँ से दूसरी साइड का है, इसमें ना यहाँ से चल के जाने का रास्ता है। और तो यहाँ एक ये देखिए पूरा वहाँ तक पूरा फूल ही फूल है। ये देखिए उस कैनाल के दोनों साइड से, ये नहीं कि एक ही साइड में, उस साइड में भी है। ये देखिए उस साइड में भी ये फूल बने हुए हैं, नहीं फूलों का पौधे लगे हुए हैं। और दोस्तों ये देखिए यहाँ से ना ये इतना बढ़िया ये बनाया है, ये देखें यहाँ अभी मैं दिखा रही थी ना उस साइड से, ये वाला कैनाल जैसा बनाया है ये लोगों ने, तो इसी कैनाल के ये ब्रिज है, ये वाला ब्रिज बनाया ये लोगों ने। और यहाँ देखिए ये वाला ब्रिज, और ये इतना बढ़िया ब्रिज बनाया है ना, ये भी पूरा पत्थर। इसका एक स्पेशलिटी है जो यहाँ पर वाइट स्टोन और ब्लैक स्टोन जो मिलते हैं ना, उसी पत्थर से दोस्तों ये कैनाल बनाए हैं, वाइट स्टोन से और ब्लैक स्टोन से ब्रिज बनाए हैं। ये देखिए ये पूरा पार्क दिखाई देगा आपको यहाँ से। जब मैं कुछ आगे और शूट करना चाहती थी तो यहाँ पर लोग ना, कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो इधर के कोई लोग परमिशन देते हैं कोई नहीं देते हैं, तो मैं फोर्सफुली किसी का शूट नहीं कर सकती, इसलिए मैंने थोड़ा सा नहीं किया। और ये देखिए ये मैं इतने ऊपर चढ़कर आ गई हूँ, वहाँ वो रहा पहाड़, और इतने स्टेप्स थे यहाँ पर, ये स्टेप्स के ऊपर से मैं चढ़कर आके यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। गाइस ये रहा, मैं इस पे चढ़ के गई थी, अभी दूसरी जगह पे भी ये हैं। और इस पे आप लोग ना ऊपर चढ़ के रोड साइड भी देख सकते हैं, और उस व्यू से आपको पूरा पार्क दिखाई देगा दोस्तों। और कुछ इस तरह से ना यहाँ पर ये ब्रिज के इस पार हम आए थे तो वो टॉयलेट्स हैं, और इस साइड हम आए थे तो यहाँ पर जो है ना ये झूले लगे हुए हैं छोटे बच्चों के लिए, और जो भी अपने बच्चे लेकर आते हैं तो यहाँ पर छोड़ के अपना आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। ये देखिए ये वाला जो है ना ये झूले, कुछ इस तरह से नज़ारा है इसका, कुछ ये झूले लगे हुए हैं। और यहाँ से चढ़ के जाके ये वाला जो है ना, इस पे चढ़ के जाके और ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चढ़ के जाना है, और इस साइड से आना है ये ट्विस्ट करके। और ये यहाँ पर चढ़ने के लिए एक जंजीर जैसा बनाया रही थी ना गाइस, ये वाला है। ऐसे ही कार में मेरा बेटा बैठा था 2012 में जब आया था, तो ये वाली ये कार से ये आपको पता नहीं कितने पैसे में है, रेंट में मिलेंगे, आप लोग खेल सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए छोटे बच्चों के लिए ऐसे कार्स हैं, एक अंदर बहुत छोटे के लिए वो अंदर वाले हैं, ये राम मोटरसाइकल्स। गाइस जब भी आप पार्क आओगे ना तो यहाँ पर एक आपको कैफे मिलेगा, ये देखिए ये कैफे है, यहाँ पर बैठ के आप जो भी चीज़ कोल्ड ड्रिंक।
ये है कॉफी शॉप इधर, और ये नज़ारा है इसका, कुछ इस तरह से है पूरा। यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ, यहाँ। सो गाइज, मैं अपनी वीडियो अभी एंड करने लगी हूँ। हम लोग अभी घर जा रहे हैं, काफ़ी देर हो गया। अब मैंने पूरे पार्क का जो है ना वीडियो अप किया है, आप मेरी कल की व्लॉग में वो देख सकते हैं। और मेरी आज की जो वीडियो पसंद आया है तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सब्सक्राइब के लिए कोई पैसे नहीं लगता है, तो बने रहिए और देखते रहिए मेरे व्लॉग को। बाय बाय दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटें, बाय।